So this is something that you all need to know and this is something that you all must know. Okay. तो बच्चों एक बार कंफर्म कर दीजिए आप लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बता देंगे यार. एवरीबडी क्विकली कंफर्म, आर यू गाइज एबल टू हियर अस, आर यू गाइज एबल टू हियर अस और वॉच अस, कैन यू टेल गाइज. आई कैन सी ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स हैव जॉइंड गाइज, कम ऑन एवरीबडी, लाइक एंड शेयर गाइज. आप लोग जानते हो बेटा यूट्यूब पे हम लोग फीस चार्ज नहीं करते, एक ही चीज मांगते हैं, दैट इज लाइक एंड शेयर. And this is something all of you can afford. This is something that everybody can give. So don't hesitate. Like and share as much as you can. तो बेटा आज आप देख रहे हो कि अलग अलग रिस्पेक्ट से लोग आके जुड़े हैं. अंकुर सर हमारे लेट्स क्रैक चैनल से जुड़े हैं, सुरेश सर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से आके हमारे चैनल पे जुड़े हैं, और मुझसे तो आप रोज मिलते ही हो. बट विशाल सर गायब हैं. विशाल सर का थोड़ा सा पर्सनल इशू है, पर्सनल वर्क है, बहुत इमरजेंसी है, दैट इज वाई ही कुड नॉट बी एबल टू ज्वाइन यू. बट डोंट वरी गाइज, आपको विशाल सर की गाइडेंस मिलती रहेगी. अब आप जल्दी से इस सेशन को शुरू कराने के लिए यार लाइक एंड शेयर ठोक देंगे सबके सब लोग, और हम फिर बात करना स्टार्ट करेंगे गेट 22 और 23 के बारे में. तो सबसे पहले एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल, ऑल द स्टूडेंट्स एंड सुरेश सर एंड अंकुर सर विद अस, कि आप लोग टाइम निकाल के आए हैं. सर बिजी शेड्यूल रहता है, मैं जानता हूँ, हर टीचर का चार चार पाँच पाँच घंटे छः घंटे इज नॉट अ बिग थिंग फॉर टीचर्स लाइक अस टू बी टीचिंग एवरी डे, एंड स्टिल टेकिंग टाइम आउट एंड गाइडिंग आर स्टूडेंट्स इज अ वेरी गुड बिग थिंग. सो अ वेलकम टू एवरीबडी. तो अंकुर सर अभी मतलब इन जनरली अपन स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, तो अभी क्या yes. चल रहा है, मतलब आप क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं फिलहाल में, इतने बच्चे जुड़ रहे हैं फिर आएंगे. दो या तीन तरह के बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं. एक स्टूडेंट तो वो है जो ऑलरेडी मैं बोलूंगा पास आउट है, दो तीन साल से तैयारी कर रहा है. एक स्टूडेंट वो है जो अभी इंजीनियर में फाइनल ईयर में है, और एक स्टूडेंट वो है जो थर्ड ईयर में भी दे पा रहा है बिकॉज ऑफ 21 में जो अनाउंस हुआ है आईआईटी बॉम्बे ने कि 21 वाला स्टूडेंट गेट 21 थर्ड ईयर का स्टूडेंट भी अपीयर हो सकता है. सो इस बार थर्ड ईयर के काफ़ी स्टूडेंट जो है वो एज ए ट्रायल इस अटेम्प्ट को लेने वाले हैं. कुछ स्टूडेंट चार सब्जेक्ट पढ़ के दे रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट पाँच सब्जेक्ट पढ़ के दे रहे हैं, मतलब एटलीस्ट वो अपना अटेम्प्ट जो है अच्छा देना चाहते हैं. और इवन मैंने भी सजेस्ट किया था कि आपको अटेम्प्ट जरूर देना चाहिए सो देट आपको एक एक्सपीरियंस मिले कि गेट में कैसे उस 3R को आपको मैनेज करना है, कैसे आपको प्रेशर को हैंडल करना है, और क्या क्या आपको जो कंसेप्ट आता है उसका क्वेश्चन वहाँ पे बन सकता है. क्योंकि कभी ना कभी स्टूडेंट को कंसेप्ट भी आता है, कैलकुलेशन भी अच्छा है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, बट वहाँ उस क्वेश्चन को एकदम क्लिक नहीं कर पाता. वहाँ अगर लॉजिक नहीं एकदम क्लिक हुआ तो एग्जामिनर से बाहर आने के बाद ऐसा लगता है कि तो बहुत आसान क्वेश्चन था, वैसे नहीं बना. तो ये सब चीज़ें जब वो पहली बार ट्रायल में जाएगा तो उसके जो वो फेस करेगा, और होपफुली अगर अच्छा रैंक भी आ जाता है, इवन अगर कोई पांच सब्जेक्ट पढ़ के भी जा रहा है तो वो एक इस वाले अटेम्प्ट को बहुत अच्छे से देना चाहता है. तो मेरा लेकिन उनको सबको सजेशन ये है कि जो इस 21 को देना चाहते हैं, जो फाइनल ईयर में हैं या जो ऑलरेडी दो साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ऑल द बेस्ट. बट जो अभी 22 के लिए प्रिपेयर 22 को अपना अटेम्प्ट मान के चल रहे हैं, इसका मतलब जो अभी सेकेंड ईयर में है या अभी थर्ड ईयर में है, वो स्टूडेंट 22 के लिए 22 वाला जो न्यू बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है उसको जल्दी जल्दी ज्वाइन करें. उसकी इन्फॉर्मेशन और ये सब जो है उनके सर भी आपको अभी शेयर करेंगे. और इसके अलावा मेरा एक ही मैसेज है कि बस हर दिन आपको ये पता होना चाहिए कि वाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट और ईएससी. अगर आप गेट चाहते हो तो एक ये गेट ऐसा एग्जाम है जो इट इज नॉट ए सेमेस्टर एग्जाम. तो आपको हर दिन ये पता होना चाहिए कि आप अपने सेमेस्टर एग्जाम के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, बिकॉज ये एक ऑल ओवर इंडिया लेवल एग्जाम है और यहाँ कंपटीशन बिल्कुल हाई है, सभी के लिए इक्वल है. और जो स्टूडेंट गेट स्कोर कार्ड लेता है वो एक्चुअली डिजर्विंग स्टूडेंट है. अगर आप मोर देन 65-70 अबव मार्क्स आते हो तो उस लेवल का प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा. एक नॉर्मल लाइफ से आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो आज के अच्छे डिसीजन है वो आपको फ्यूचर में प्राउड फील कराएंगे. तो इफ़ यू विल टेक सब्सक्रिप्शन टूडे एंड अगर आप पूरा बैच कोर्स ज्वाइन करते हो तो अल्टीमेटली कुछ कमी नहीं रह जाती. Guys, are you able to see us now? I think there was some technical issue, guys. Can you please confirm? आप लोगों को visible है, audible है बेटा?
विजिबल है, ऑडिबल है, एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरे बच्चों, आप लोगों को विजिबल ऑडिबल है कि नहीं है, जल्दी से बताएंगे। और जल्दी से जल्दी यार शेयर कर दो सेशन को, यार मैं देख रहा हूँ कि आप लोग जो है ना संडे को बहुत ज़्यादा सुस्ती दिखा रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा सुस्ती दिखा रहे हो संडे को, ऐसा होना नहीं चाहिए बेटा। संडे को 11 बजे सेशन लगा है, 11 बजे तक मैक्सिमम जनता उठ जाती है, इतनी भी सर्दियाँ नहीं है कि आप लोग 11 बजे भी नहीं उठ पाएंगे। तो जल्दी से सब लोग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक सब जगह जाके शेयर करेंगे, ठीक है, सब जगह जाके एकदम से शेयर हो जाना चाहिए यार, स्टेटस लग जाना चाहिए बेटा। तो अब हम लोग चलते हैं, आपने अंकुर सर की बात सुनी, अब हम चलते हैं सुरेश सर के पास और जानते हैं कि आजकल सर क्या कर रहे हैं, आजकल सर कहाँ बिजी हैं। तो सर ओवर टू यू, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज? सर यू आर नॉट ऑडिबल। नो सर, आई थिंक गाइस देयर इज सम इशू विद द ऑडियो। तो बच्चों देखो, सबसे पहली चीज़ आप लोगों को ये समझनी है कि यार आज हम लोग आपके लिए संडे के दिन टाइम निकाल के आए हैं जस्ट टू डिस्कस विद यू ऑल रिलेटेड टू गेट 22-23। क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, किस वे में आप अप्रोच कर सकते हो, वेदर यू आर ऑन यूट्यूब, वेदर यू आर ऑन प्लस बेटा, लेकिन आपको इस सेशन से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है कि किस तरह से आपको गेट एग्जाम को अप्रोच करना है। क्योंकि बेटा जो अर्ली स्टार्ट करते हैं ना, और एक अच्छा स्टार्ट कहते हैं ना, अ गुड स्टार्ट इज हाफ द एंडिंग, वैसा वाला हिसाब है। आज से अगर अच्छा स्टार्ट करोगे, इतना टाइम है कि एक बेहतरीन रैंक के लिए जा सकते हो, तो दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। तो अंकुर सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन रहेगा, इतने सुरेश सर का ऑडियो कनेक्ट हो रहा है, आपको क्या लगता है मतलब जल्दी स्टार्ट करने का क्या फायदा मिलता है बच्चे को? क्योंकि गेट तो 6 महीने 8 महीने में भी निकाल लेते हैं बच्चे, फिर हमें 12 महीने में क्यों तैयारी करनी चाहिए? जस्ट अ मिनट, आई थिंक कि मेरे ऑडियो में कुछ दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि 6 महीने आप कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन रिवीजन प्रॉपर नहीं कर पाओ। तो अगर हम जल्दी स्टार्ट करते हैं तो आपको रिवीजन करने का प्रॉपर टाइम मिलता है, क्योंकि अगर हम आप एक सब्जेक्ट को भी कंप्लीट, अगर पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर रहे हो, एक सब्जेक्ट आपको अगर 80 घंटे 100 घंटे में पढ़ाया जा रहा है, तो और अनलेस उसके अंदर अगर आप 9 टेक्निकल सब्जेक्ट मान के चल रहे हो, तो मिनिमम से मिनिमम भी 600-700 आवर्स का आपका टीचिंग रहने वाला है, मिनिमम से मिनिमम, इससे ज़्यादा ही रहता है। लेकिन उसके अलावा आपको रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, मॉक टेस्ट भी देना है, टेस्ट सीरीज भी देना है। तो ये सब आप देने के लिए मैं चाहूंगा कि जो जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे, देन उनको उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा, जब एग्जाम के 1 महीने पहले 2 महीने पहले वो फील करेंगे कि नाउ आई कैन मेक ए गुड रैंक। सुरेश सर यू आर ऑडिबल? यस सर। सो सर, आई एम ऑडिबल नाउ? या सर। सो एक्चुअली माय क्वेश्चन टू यू आल्सो विल बी, हाउ इंपॉर्टेंट इज इट टू स्टार्ट अर्ली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट गेट प्रिपरेशन? Because most of the students belong to private colleges, so should they target cracking gate after their graduation is over, or should they start their gate preparation with their semester exam itself? So what is your opinion about it? Ankit Goyal sir, first of all thank you. Is the audio fine sir? Everything yes, fine? Sir. Yes sir, perfect. Thank you very much for welcoming in this session sir, Ankit sir, and really nice to interact with all of you. But sorry for the delay in all this audio and everything. Ankit sir, a topper like you, first rank for multiple number of times, you are the best guide, no doubt about it. We can only tell you that preparation should start in second year, sir, undoubtedly. Second year is the right time. Because gate is a long journey. एक ऐसी journey है, एक ऐसे सफर है जिसमें कभी कामयाबी मिल भी जाती है, कभी failure. तो जितनी जल्दी प्रिपेयर करेंगे, जितनी जल्दी शुरू करेंगे, उतनी अच्छा है। इट्स ऑलवेज बेस्ट टू स्टार्ट इट वेरी अर्ली, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कोर सब्जेक्ट्स आर ओवर इन सेकंड ईयर थर्ड ईयर। गेट का जो सिलेबस है लगभग सेकंड थर्ड ईयर में खत्म हो ही जाता है, कंट्रोल सिस्टम हो या EDC हो, EMT हो। तो आपको ना भी फेस इंस्टॉलमेंट्स में गेट एग्जाम देना भी जरूरी है, बिकॉज यू मे प्रिपेयर फॉर 5 सब्जेक्ट्स एंड गिव इट इन 2021, थोड़ी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर उसके बाद 2022 में दीजिए, you'll get much confidence. So because gate is such a long journey, it's always better that you prepare it early and give it early with as many subjects as possible. So 2021 is no doubt a very good launch pad for you.
But if you are not completely confident, go for 2022 also. So early preparation is mandatory, sir. Pakka zaruri hai. So, guys, जो सुरेश सर ने पॉइंट बोला उसी पे मैं ऐड करना चाहूंगा. एक बहुत अच्छी सर ने बात बोली, गेट को एक जर्नी से कंपेयर किया. अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें वाई इज इट ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट टू सी गेट एज अ जर्नी. यार आप अपनी इंजीनियरिंग के दौरान अगर गेट को एज अ जर्नी लेते हो ना, तो आप इंजीनियरिंग के सिंक में इसको लेके चलो, वट एवर यू आर स्टडिंग. सो एज सर टोल्ड कि बेटा सेकेंड और थर्ड ईयर के सब्जेक्ट से ही आपका गेट एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, फाइनल ईयर के इलेक्टिव्स नहीं पूछे जाते हैं. और फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट ईएससी में आते हैं, वो भी गेट में नहीं आते हैं. तो मेनली गेट इज अ गेम ऑफ फोर सेमेस्टर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स. और इसको अगर एज अ जर्नी लोगे, साइड बाय साइड लेके चलोगे, तो व्हाट हैपेंस इज ऑल अराउंड इट यू विल गेन. लाइक वट एवर इज योर सेमेस्टर परसेंटेज, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज. यू आर ऑल्सो गोइंग टू गेन कॉन्फिडेंस इन योर टेक्निकल सब्जेक्ट. वेन एवर यू आर सिटिंग फॉर कैंपस प्लेसमेंट, देन ऑल्सो यू विल हैव अ गुड टेक्निकल नॉलेज टू क्रैक एनी सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू. एंड दैट इज वाई गेट इज सच अ ब्यूटिफुल एग्जाम, बिकॉज इट हेल्प्स यू सेटिस्फाई मल्टीपल ऑब्जेक्टिव. तो अंकुर सर, जैसे अभी हमारे बच्चे एकदम नए हैं जो कि अभी शायद गेट की जर्नी की तरफ बढ़ ही रहे होंगे, कुछ बच्चे अभी फर्स्ट ईयर से निकले होंगे, तो थोड़ा सा बच्चों को इस बारे में गाइड कीजिए कि गेट के बाद अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं एंड वाई इज गेट सच एन इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन. यस सर, यस. सो मैं इसमें एक बात बोलना चाहूंगा सर कि अगर हम गेट का प्रिपरेशन करते हैं ना, तो देखो टेक्निकल इंडिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेक्निकल एग्जाम है गेट. इवन अगर मैं बात करूँ गेट और ये इंजीनियरिंग सर्विसेज दोनों, अगर आप इंजीनियरिंग सर्विस गेट के प्रिपरेशन करते हो तो इंजीनियरिंग सर्विस में भी आपको हेल्प मिलता है. और गेट एग्जाम के लिए अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट जो है जो इंजीनियरिंग कर रहा है, तो अगर मैं हर एक स्टूडेंट को ये बोलना चाहूंगा कि इफ़ यू आर डूइंग इंजीनियरिंग, अगर आप एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हो, गुड इंजीनियर बनना चाहते हैं और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, तो गेट विल बी योर टारगेट. गेट आपका टारगेट जरूर होना चाहिए. क्योंकि देखो सेमेस्टर एग्जाम का आपके जो CGPA SGPA है, ये आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब में या टेक्निकल कोर जॉब में एंट्री नहीं दिला सकते डायरेक्ट. लेकिन एक गेट स्कोर कार्ड अगर आपके पास है, तो गेट स्कोर कार्ड एक इंजीनियर के लिए मैटर ऑफ प्राउड है. गेट स्कोर कार्ड आपको इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो आपने हासिल किया है अपनी टेक्निकल एबिलिटी. तो ऑफकोर्स क्योंकि आजकल सर मैं ये बात ही बोलना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग के लाखों लाखों इंजीनियर्स हर साल निकल रहे हैं पास आउट होगी, बिकॉज वी आर हैविंग मैनी इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड ऑल. बट अगर हम देखें तो वैकेंसीज काफ़ी कम. तो एक जो इंजीनियर का वैल्यू होता था, जो इंजीनियरिंग का एक चार्म होता था, तो अब एक गेट स्कोर कार्ड तो मैंडेटरी है. अगर आप एक चार साल डिग्री के बाद जॉब के लिए जाते हैं, और अगर आपके एक स्टूडेंट के पास केवल CGPA SGPA है और दूसरे स्टूडेंट के पास CGPA SGPA के साथ गेट स्कोर कार्ड भी है, तो मैं बोलूंगा कि वस से वस सिचुएशन में प्राइवेट जॉब में भी उसको प्रेफरेंस दिया जाए. तो गेट शुड बी ए मैंडेटरी एग्जाम फॉर ईच एंड एवरी इंजीनियर. अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट को अपनी लाइफ में गेट के लिए प्रिपेयर करना ही चाहिए. बिकॉज हो सकता है कि अभी जो आपके रीजन में वो चीज़ें ना हो, धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाए और मल्टीपल टेक्निकल एग्जामिनेशन में आपको, चाहे आप स्टेट PSU की बात करो, PSU की बात करो, चाहे आप मास्टर्स की बात करो, सबके लिए आपके गेट ओपन हो जाते हैं इस गेट एग्जाम से. तो बच्चों जैसा सर ने बोला कि गेट के थ्रू आप गेट के अराउंड जितने भी एग्जाम बिल्ट हैं, चाहे स्टेट PSC है, चाहे PSU एग्जामिनेशन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज है, और बहुत सारे बच्चे तो सिविल सर्विसेज में भी इलेक्ट्रिकल EC को एज अ ऑप्शनल भी देते हैं, तो ये सारे एग्जाम्स टारगेट कर सकते हो. इसके अलावा भी मैं बताना चाहूँगा यार, आप MTech भी परस्यू कर सकते हो, खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है MTech को एज एन ऑप्शन देखना. इसके अलावा आप PSU में जा सकते हो. इसके अलावा आप चाहें तो NITI जैसे कॉलेज के अंदर जाके मैनेजमेंट कोर्स में जा सकते हो. आप चाहें तो FPM प्रोग्राम में जाके IIM में एंट्री ले सकते हो. तो देर आर अ वास्ट और बट आई कैन से अ प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल आफ्टर एन एग्जाम लाइक गेट. और सबसे बढ़िया बात यह है कि यार गेट इज समथिंग रिलेटेड टू योर इंजीनियरिंग एजुकेशन बाय विच योर एंटायर इंजीनियरिंग बिकम्स इजी. तो सर सुरेश सर, व्हाट आई हैव सीन थ्रू आउट द ईयर्स, लाइक द क्वालिटी ऑफ इंजीनियर्स दैट आर कॉलेजेस आर प्रोड्यूसिंग इज नॉट अप टू द मार्क, व्हाट आई कैन से, बिकॉज वट एवर कल्चर गोज ऑन देयर इज मोस्टली क्रैमिंग अप एंड देन गिविंग द एग्जामिनेशन. डू यू थिंक गेट कैन सर्व एज अ की टू सॉल्विंग दिस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री? But as such, thank you, sir. First of all, thank you. As such,
the problem of quality in engineers cannot be solved through GATE or MTech, sir, because in MTech also we get the same quality. But we dedicated teachers and toppers like you, or we all teachers, we can make an impact by giving quality education soon after their BTech or during their BTech, by helping them even in their semester exams. जो कॉलेज के टीचर्स कर नहीं पाते हैं, व्हाटएवर रीजन, जो भी वजह है उसकी, वी आर द टीचर्स हु कैन हेल्प देम इन देयर सेमेस्टर एग्जाम्स, गिव देम द राइट क्वालिटी, लेट देम कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, सो दैट वी शुड टेक द मैंटल ऑफ बीइंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स. दैट इज व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ एट एन एकेडमी और एनीबडी, वी आर ऑल कोचिंग इज व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट फॉर दैट. सो कोचिंग उस कमी को पूरी करती है, जो क्वालिटी उनके पास होता नहीं है स्टूडेंट्स को, वो हमें देने की जरूरत पड़ती है. जैसे काफी सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चे छोड़ के सिर्फ प्रीवियस पेपर्स पढ़ते हैं, हमें ऐसा करना चाहिए कि उन्हें उस सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट डेवलप करें. सो आवर कोचिंग शुड बी टू पर्पस सर्विंग इट. वन, टू हेल्प देयर बीटेक करिकुलम, क्योंकि सेकंड ईयर थर्ड ईयर के बहुत बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर के तो मैंने काफी देखा है बच्चे. एंड सेकंड थिंग इज, वी शुड ऑल्सो हेल्प देम दैट अंडरस्टैंड देयर एमटेक सब्जेक्ट्स एंड एडवांस सब्जेक्ट्स वेरी इजिली विद दिस फंडामेंटल्स. सो ऑब्वियसली सर, क्वालिटी फ्रॉम आवर साइड, इफ यू कैन गिव इट, दी problem of quality lacking in engineering colleges can be cleared, sir. It can be surely cleared. We teachers have to take the mantle for it. Yes. बच्चों, जैसा सर ने यहाँ पे बोला, उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि यार, अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि चाहे फ्री एजुकेशन हो चाहे पेड एजुकेशन हो, वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ इंजीनियरिंग इन द कॉलेजेस. अब आप जैसे देखते हो, अंकुर सर का यूट्यूब चैनल है, सुरेश सर भी एक यूट्यूब चैनल पे आते हैं, अनअकैडमी फ्लक्स है सर शायद, अनअकैडमी फ्लक्स, और क्रिएट्रिक्स चैनल भी. यार आपको डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के थ्रू क्या मिल रहा है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक नॉलेज इम्पार्ट की जा रही है, सो दैट वी कैन ओवरऑल रेज द बार. एंड फ्रॉम माय एक्सपीरियंस दिस ईयर, व्हाट आई कैन से, दिस ईयर गेट इज गोइंग टू बी हाईली हाईली कॉम्पिटिटिव, बिकॉज नाउ मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स आर वेल ट्रेन्ड इन ऑल द सब्जेक्ट्स. और सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली है यार, कि एक टीचर, एज अ टीचर हमारा रोल क्या है, कि आप लोगों का ना सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करना. अब जैसे इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं, वो EMT से खासा कुछ दूर रहते हैं, तो दे ऑलवेज रन अवे फ्रॉम EMT, कि EMT तो करना ही नहीं है, इलेक्ट्रिकल में हो ही नहीं पाएगा, मैग्नेटिज्म तो मतलब ऐसा है कि अनटचेबल है. तो यार वो भी क्राउड का हिस्सा है, और जब बेटा वो मास्टर कर सकते हैं ना कोई भी सब्जेक्ट, तो आप भी कर सकते हो. वॉट यू जस्ट नीड इज अ राइट सेट ऑफ गाइडेंस, अ राइट सेट ऑफ टीचर्स, एंड देन यू सी हाउ इंटरेस्टिंग कैन द इंजीनियरिंग बी. इंजीनियरिंग का यार मतलब ये नहीं होता है कि जस्ट आपको कोई सब्जेक्ट आ जाए, वो तो यार साइंस और इंजीनियरिंग में फिर क्या फर्क रह गया. मेरे कॉलेज डेज से ना, आई हैव ऑलवेज थिंकिंग अबाउट वन थिंग, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड इंजीनियरिंग. साइंस इज मोर अबाउट डिस्कवरिंग थिंग्स, एंड इंजीनियरिंग इज मोर अबाउट डिजाइनिंग थिंग्स. सो वैन यू रीड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक कंट्रोल सिस्टम, EMT, मशीन्स, पावर सिस्टम, then you actually understand how the world around you works, and then you gain that capability that you can also be a part of this world, and you can actually design something of significance, you can design something that is very very important in the real world. to beta is tarah ka engineer banna hai jiska problem solving mindset ho. jaise main aapko ek example deta hu, aap sab logon ne ek movie dekhi hogi yaar, akshay kumar ki movie thi shayad toilet ek prem katha hai na. उसमें मैंने एक चीज देखी कि वो बंदा बड़ा जुगाड़ू था, मतलब वट एवर प्रॉब्लम ही ऑब्जर्व्स अराउंड हिमसेल्फ ना, वो उसका कोई ना कोई जुगाड़ करके ही यूज्ड टू फिगर आउट अ सोल्यूशन. एंड दैट इज द क्वालिटी दैट अ ट्रू इंजीनियर मस्ट हैव, बिकॉज एज इंजीनियर्स यार आप लोगों का लाइफ लॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि आप अपने सराउंडिंग में देखो वट एवर इज लैकिंग, वट एवर इज द प्रॉब्लम बींग फेस्ड बाय मल्टीपल पीपल, एंड देन यू डिजाइन सोल्यूशंस. और उसके लिए ना, जो आपका बीटेक करिकुलम है, बीटेक करिकुलम को यार हम लोग गाली देते हैं, हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम को गाली देते हैं, लेकिन आप एक छोटी सी चीज मुझे बताओ यार, आप लोग सारा सारा दिन पबजी में निकाल दे, तो क्या ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम का फ्लॉ है? आप सारा दिन मोबाइल गेमिंग कंप्यूटर गेमिंग में निकाल दो, क्या ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम का फ्लॉ है? नहीं. तो अगर हम लोग इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट डेवलप कर लें एंड वी बिकम रियली गुड इंजीनियर्स, तो वट आई थिंक इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस कंट्री लाइज ऑन द शोल्डर्स ऑफ people like engineers and doctors, and then that means you have to become a great engineer in order to take this country forward, hai na. to beta desh ko aage leke jana hai. ab sir mera aapse question rahega ankur sir se, ki agar bachcha sir abhi se taiyari start karta hai suppose,
तो फर्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ बिकॉज गेट 2021 इज स्टिल पेंडिंग. यस सो सर देखो मैं ये बोलना चाहूंगा इसमें कि एक सेकंड ईयर का स्टूडेंट एक थर्ड ईयर का स्टूडेंट अगर थर्ड ईयर के स्टूडेंट जो है वो इस बार अपना अटेम्प्ट देने वाले हैं और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट थर्ड ईयर में भी ऐसे हैं जो लोग 21 के लिए लेट प्रिपरेशन करने लगे शायद वो 3 महीने पहले या 4 महीने पहले या 5 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किए तो कुछ लोग अभी 4 सब्जेक्ट कंप्लीट किए 5 सब्जेक्ट कंप्लीट किए अपना अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो एक लोग तो एक वो स्टूडेंट हो गए और एक वो स्टूडेंट है जो भी जो कि थर्ड ईयर में भी अटेम्प्ट दे रहे हैं लेकिन एक साथ तैयारी कर रहे हैं तो मैं उनको बोलना चाहूंगा कि उनको अपना अटेम्प्ट सिंसियरली देना चाहिए अगर वो थर्ड ईयर में ही एक अच्छा रैंक बना लेते हैं तो दैट विल बी ग्रेट अदरवाइज आपको 22 अटेम्प्ट को नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि 22 में अगर हो सकता है आपका इस वाले अटेम्प्ट में 5000 रैंक आ गया या 10000 रैंक आ गया तो उस 5000 से आप अंडर 500 जरूर जा सकते हैं और अंडर 50 भी जा सकते हैं तो क्योंकि आपको आपने ऑलरेडी टेक्निकल अभी थोड़ा पढ़ा है तो आपको उतना नहीं करना आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना और इवन मैं बोलूंगा कि जो सेकंड ईयर स्टूडेंट है उसको तो बिल्कुल जैसे सुरेश सर ने भी बोला कि अर्ली स्टार्ट जब हम करते हैं तो कंपटीशन एग्जामिनेशन जितना टफ अगर वो कंपटीशन एग्जाम अगर टफ है क्योंकि पूरा ऑल ओवर इंडिया वहाँ कम्पीट करने वाला है तो अगर आपको पूरा कंपटीशन का पार्ट बनना है तो अर्ली स्टार्ट करोगे तो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर पाओगे कंसेप्ट पे क्लियरिटी कर पाओगे और नंबर ऑफ टेस्ट देने से आप पे डेफिनेटली कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो मैं बोलना चाहूँगा सर सेकेंड ईयर वाला स्टूडेंट के लिए अभी एकदम बेस्ट टाइम है जो थर्ड ईयर स्टूडेंट है वो अब इससे लेट नहीं हो सकता अगर उसको एक्चुअली रैंक अच्छा लेके आना है अब उसको बिल्कुल 15 से 20 दिन भी लेट नहीं करना चाहिए मेरा मानना ये है कि अगर वो 1 महीना भी लेट करता है तो वो कहीं ना कहीं अदर स्टूडेंट से एक सब्जेक्ट पीछे रह जाता है तो बच्चों जैसा सर ने बोला कि सेकंड ईयर वाले बच्चे के लिए इट इज द राइट टाइम टू प्रिपेयर तो बच्चों देखो दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि इस साल जो है थर्ड ईयर वालों को अलाउ कर दिया गया है इफ यू हैव सीरियसली प्रिपेयर्ड जैसा सर ने बोला अगर आपने सीरियसली प्रिपेयर किया है 1 ईयर तो यार गेट 2021 को होल हार्टेडली दो एंड देन वील टॉक अबाउट गेट 2022 और अगर आप पार्शियल प्रिपरेशन करके जा रहे हो जस्ट टू सी हाउ गेट एग्जाम इज जस्ट टू गेट अ फील देन यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट गेट 2022 राइट नाउ बिकॉज गिविंग गेट 2021 इज नॉट गोइंग टू चेंज योर डेस्टिनी इट्स नॉट चेंज गोइंग टू चेंज योर करियर पाथ सो इट्स बेटर टू स्टार्ट अर्ली एंड बी अहेड ऑफ दी अदर्स ठीक है तो अभी सर बच्चों का ये क्वेश्चन आ रहा है सुरेश सर कि अगर वो सेकेंड ईयर में तो वेदर दे शुड गो आफ्टर 1 ईयर बैच और 2 ईयर बैच क्योंकि 1 ईयर बैच में जैसा आप जानते ही हो सर कि हम लोग 2 सब्जेक्ट एक साथ रन कर रहे हैं 2 ईयर में वी आर ओनली रनिंग 1 सब्जेक्ट तो यहाँ बच्चों को क्या एडवाइस होनी चाहिए कि 2 साल में 2 बार सिलेबस कर लें या 2 ईयर बैच के साथ एक ही बार आराम आराम से कवर करें सर एक साल का बैच हो या 2 साल का बैच हो सर पहले साल में जितने सब्जेक्ट हो सके उतने कर लेना चाहिए सर क्योंकि सेकेंड ईयर के बच्चे थर्ड ईयर में गेट लिखेंगे ही और ये भी नहीं बोल सकते कि आधा सब्जेक्ट्स के साथ लिख लें सो वंस दे शुड डू ऑल द सब्जेक्ट्स नो डाउट ऑल द सब्जेक्ट दे शुड डू वंस या जिसमें जो टफ सब्जेक्ट्स हैं वो दोबारा भी कर लेंगे फाइनल ईयर में या जिन जिन सब्जेक्ट्स में वो फेल हुए थे या गेट में अच्छा नहीं कर पाए वो दोबारा कर लेंगे सो एक बार हर सब्जेक्ट कर लें जब थर्ड ईयर में है So it's always better, sir. It's always better they do all the subjects once. Get the fundamentals, get the basics. Any tough areas like EMF, anything which they need to repeat like machines, synchronous machines, like communications, digital communications, probability, they'll learn it once again. So mandatory that when they're in 2022 batch or 2023, they should prepare all the subjects from all the teachers. All the teachers in the sense, all the best teachers, whatever they know as the best teachers. So I feel they should do it once, sir. एक बार तो पक्का पूरे subject sir लेना चाहिए ताकि repetition, strengthening वो अगले साल करेंगे वो लोग. That's it. तो बच्चों जैसा सर ने बोला बहुत अच्छी बात बोली कि अगर आप practically सोचो तो second year वाला भी third year में gate देने ही वाला है next year. तो अगर आप एक बार basics cover कर लेते हो ना सारे subjects का तो you'll have more confidence. You'll be able to figure out your strengths and weaknesses and then in the next year you can work on your weakness. दूसरा पॉइंट देखो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहूँगा कि आप लोग ना ये भी देखो आपके पास टाइम कितना अवेलेबल है रैदर देन थिंकिंग कि सर 1 ईयर में बैठूँ या 2 ईयर बैच में अगर यार आपके पास है ना 5 और 6 आवर्स टू प्रिपेयर तो अटेंड 1 ईयर बैच अटेंड 2 सब्जेक्ट्स साइमल्टेनियसली बट अगर आप टाइम का ही कंस्टेंट है सर मैं 3 घंटे 4 घंटे ज़्यादा दे ही नहीं सकता हूँ तो तब तो कोई चॉइस ही नहीं रहेगी ना फिर तो आपको 2 ईयर बैच ही करना पड़ेगा
तो इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल शेड्यूल, लाइक हाउ मच टाइम यू कैन डेडिकेट टू द प्रिपरेशन. तो अंकुर सर, अगर कोई बच्चा जनवरी में स्टार्ट कर रहा है तो व्हाट सॉर्ट ऑफ अ टाइमलाइन शुड दे फॉलो, यानी कि कोर्स कब तक कंप्लीट कर लें, फिर सर किस मंथ में रिवीजन करें और कब टेस्ट सीरीज दें, आपको क्या लगता है कैसा टाइमलाइन रहना चाहिए? सर, अगर कोई स्टूडेंट जनवरी में स्टार्ट कर रहा है तो मैं ये बोलूंगा कि अगस्त तक, द मंथ ऑफ अगस्त, उसको आइडियली ना सारे सब्जेक्ट को फिनिश करना चाहिए. और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये जो सितंबर ऑनवर्ड्स, मिड ऑफ सितंबर ऑनवर्ड्स, उसको प्रैक्टिस, रिवाइज, रिवीजन प्रैक्टिस और टेस्ट करने चाहिए, ऑल पीवाईक्यूज लगाना चाहिए, ये सब करना चाहिए. रिवीजन इज मैंडेटरी, इवन गेट एग्जाम लिखने से पहले तीन लेवल पे उसको रिवाइज करना चाहिए, जब पहली बार हुआ उसके बाद दो बार और तीन बार तो मिनिमम रिवीजन होना ही चाहिए, तभी आप एक्चुअली उस क्वेश्चन को, क्योंकि गेट में थोड़ा बहुत प्रेशर भी रहता है, कभी कभी आता हुआ क्वेश्चन भी हम रॉन्ग करके आते हैं, तो ये सब चीजें एक पार्ट है कंपटीशन एग्जाम का. तो इन सब के लिए हमको वेल प्रिपेयर होने के लिए एटलीस्ट हमारा जो पूरा सिलेबस वाला पार्ट है, मैं बोलूंगा कि अगस्त तक आपको कंप्लीट करना चाहिए, अगस्त या 15th ऑफ सितंबर तक. यस, तो बच्चों जैसा सर ने बताया सितंबर तक कवर कर लो और तीन रिवीजन मस्ट है. बहुत अच्छा सर ने बोला, क्योंकि यार देखो गेट इज नॉट अबाउट लाइक 2-3 सब्जेक्ट्स, इट्स अबाउट 12 सब्जेक्ट्स. और वहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आप फेस करोगे दैट इज अबाउट रिटेनिंग, कि कैसे याद रखें सब चीजें. तो अंकुर सर ने जो बताया ना तीन स्टेजेस है रिवीजन की, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूं कि रिवीजन को ना आप कंसाइज करते जाइए और एंड में आके ना आपको ऐसा लगना चाहिए कि 12 सब्जेक्ट्स हैव मर्ज्ड इनटू अ सिंगल सब्जेक्ट, यानी आपका कोर्स इतना छोटा हो गया ना कि एक सिंगल सब्जेक्ट इज इक्वल टू 12. तो ये तभी हो सकता है जब मल्टीपल रिवीजन लगे. फर्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करोगे ना, आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा, हर चीज. सेकंड टाइम करोगे तब समझ आएगा, नहीं यार ये चीज तो ऐसी है, इसको अगर छोड़ भी देना तो भी चलेगा, कुछ पार्ट्स इंपॉर्टेंट है. और थर्ड तक आते आते तो ऐसा होगा कि आप फॉर्मूला भी अगर पढ़ लोगे तो भी आप क्वेश्चन क्रैक कर दोगे. तो कॉन्टिन्यूअस रिवीजन से ना वो आपका कोर्स कंसाइज होता जाता है. एंड टू बी ऑनेस्ट यार, मतलब मैं यहाँ पे एक आपको अगर ऑनेस्ट ओपिनियन दूं, अगर कोई बच्चा ढंग से तैयारी किया है तो मेरे हिसाब से सर एक सब्जेक्ट को इन विद इन 10 पेजेस दे कैन कवर इजिली, 10 पेजेस में कंसाइज कर सकता है अगर बच्चा मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर ले ऑल द कांसेप्ट्स दैट आर रेलेवेंट टू गेट. बिल्कुल सर, बिल्कुल. गेट एग्जाम के जब 7 दिन पहले आप रिवाइज करोगे तो वैसा ही करना चाहिए. तो बेटा 10 पेजेस का मतलब ये हुआ कि एक तरह से 100-125 पेज या 150 पेज, 150 पेजेस के अंदर आपका एंटायर कंटेंट आ सकता है. लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, वो नोट्स ना किसी और के काम नहीं आ सकते, क्योंकि वो आपने अपने एक्सपीरियंस से बनाए हैं. यू नो वॉट यू हैव टू रिमेंबर एंड वॉट यू नो यू डोंट नीड टू राइट डाउन, समझ रहे हो ना. सपोज यू नो दैट पावर इज वी आई कॉस फाइव, यू नीड नॉट राइट इट डाउन ना, बिकॉज यू नो इट इज इन योर हेड, यू कांट फॉरगेट इट. So that means the notes that you are preparing for the last that are only and only relevant to you, they are not relevant for anybody else. अब सर एक question मैं देख रहा हूँ chat के अंदर, सुरेश सर, बच्चा पूछ रहा है कि PYQ का कितना importance है. तो सर मेरा question आपसे ये रहेगा कि PYQs ना बहुत ज़्यादा हो गए हैं, खासकर electrical EC को अगर merge कर लें तो बहुत ज़्यादा questions हैं. तो क्या बच्चे को 90-92 से लगाना चाहिए या फिर ज़्यादा focus recent year वाले questions पे रखना चाहिए? सर, पीवाईक्यूज हमेशा गाइडलाइंस हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकते हैं. मतलब ये सिलेबस का बाउंड्री है, सिलेबस का एक फ्रेमवर्क है. तो पीवाईक्यूज हमेशा जितने लगाएंगे तो उतनी उनका आइडिया आ जाएगा सिलेबस पे. लेकिन बहुत पुराने क्वेश्चंस जो होते हैं 92 या 93 के, इतने आसान होते हैं कि यू डोंट हैव अटेम्प्ट देम, उनको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है. वरना मेरी हिसाब से तो PYQs जितने करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उतने सिलेबस पे कमांड आता जाएगा, उसको आइडिया आ जाएगा कि व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द सिलेबस. सेकंड थिंग सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो विल टेल यू विच आर द एरियाज दैट आर नॉट बीइंग आस्क्ड, कौन सी एरियाज अभी तक नहीं पूछा, ये भी तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें से पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है सर. गेट इज मिस्चीवियसली डूइंग दैट. Some areas which we generally ignore, they frequently ask questions on that. Some advanced areas. So doing the previous year questions, you get an idea of which is frequently asked and which is not asked. So student ek idea bana lega. Haan, main is topic pe zyada focus karunga. Ye topic bhi mere ko dekhna hai. So previous year questions, jitne se jitne karenge, hamesha behtar hain sir. It's always useful to do lot of previous year questions because they form the framework, guidelines. How standard the questions are, what depth you should go into.
and what is the level of questioning of the examiner. So they are always useful, sir. मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा मैं. बिल्कुल सर. कि सर मैं स्टूडेंट को ये हमेशा बोलता भी हूँ कि 92, 93 बहुत पहले के ज्यादातर अगर हम PYQs करते हैं, लेकिन काफी टाइम ना सिलेबस रिवाइज भी हो गया सर. 2019 में भी अभी रिवाइज हुआ है. तो हमको देखो प्रिपरेशन जब हम कंपटीशन पर्टिकुलर गेट के लिए अगर बात कर रहे हो तो ये भी जरूरी है कि क्या पढ़ना है और उससे जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना. क्योंकि एक सब्जेक्ट के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. अगर मैं कंट्रोल सिस्टम की बात भी करूं सर तो बहुत से टॉपिक हैं जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं लेकिन गेट में नहीं पूछे गए. तो आपको जब आप पर्टिकुलर एग्जाम देने जाते हो तो यू शुड बी स्पेसिफिक अबाउट दैट एग्जाम. और अदरवाइज आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अदर देन उसको जो है ऐसी चीज आप टाइम वेस्ट ना करो. इवन 2 घंटा भी आप उस पर लगा रहे हो और जो कि आने ही नहीं वाला गेट में, लेकिन आप केवल इसलिए कर रहे हो कि या तो कंट्रोल सिस्टम में है. तो ऐसा चीज आपको नहीं करना चाहिए. मैं बोलूंगा कि यू शुड मोर फोकस ऑन द लास्ट 12 to 15 ईयर. अगर आपके पास बहुत टाइम है, आप बहुत तैयारी कर रहे हो तो आप भले पूरा कर सकते हो, लेकिन अगर मैं चाहूंगा कि आपको मोर फोकस करना चाहिए लास्ट 10 to 15 ईयर. दोनों ओपिनियन को ना मैं क्लब आपके लिए कर देता हूँ. सीधी सी बात है, प्रीवियस ईयर लगाना है, ज्यादा से ज्यादा लगाना है, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए लगाना है व्हाट इज द करंट सिलेबस. इफ देयर इज एनी क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड प्रीवियसली बट इट्स नाउ आउट ऑफ सिलेबस तो यू कैन स्किप इट. और देखो एक जो आप लोग क्वेश्चन पूछते रहते हो ना सर, क्या प्रीवियस ईयर से रैंक आ जाएगी? बेटा गेट वालों ने ना कहीं लिख के नहीं दिया कि क्वेश्चन इसी किताब से आएंगे. फिर चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, चाहे वो स्टैंडर्ड बुक हो, चाहे किसी कोचिंग का मटेरियल हो. तो इट ऑलवेज डिपेंड्स कि आपका एटीट्यूड क्या है क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए. वेदर और नॉट यू आर टेकिंग द मैक्सिमम आउट ऑफ अ सिंगल क्वेश्चन, वेदर और नॉट यू आर लर्निंग. जैसे क्या होता है, कई बार आपने एक क्वेश्चन लगाया, बना भी लिया, अगली बार सेम क्वेश्चन आया, नहीं बन पाया. इससे क्या समझे? कि आपने सीखा ही नहीं. अब ऐसे तो यार 10 किताब लगा लोगे, 20 किताब लगा लो, आप कुछ भी गेन नहीं करोगे. लेकिन अगर एक क्वेश्चन आज बन गया या नहीं भी बना, बट आप उससे सीख गए और अगली बार इफ यू फेस अ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड यू आर एबल टू क्रैक इट, देन आई वुड से यू हैव जेन्युइनली अंडरस्टूड द सब्जेक्ट, यू हैव जेन्युइनली अंडरस्टूड द प्रॉब्लम. और इंजीनियरिंग में यार सबसे बड़ा इशू क्या है ना, कंट्रोल सिस्टम हो जाए चाहे EMT चाहे मशीन, दे आर ऑल नॉट सब्जेक्ट्स, दे आर फील्ड्स. समझ रहे हो ना, एक एक सब्जेक्ट में MTech होता है आगे चल के. तो इतनी बड़ी बड़ी फील्ड है कि यार अगर कवर करना चाहोगे तो यू वॉन्ट बी एबल टू कवर ऑल 12. क्योंकि किसी भी एक सब्जेक्ट की गहराई में उतर गए अगर बहुत ज़्यादा तो बाकी बहुत सी चीज़ें स्किप हो जाएंगी. इतनी वास्ट फील्ड है कि ना यार यहाँ खोने का बहुत डर है, खासकर व्हेन यू आर स्टडीइंग अ स्टैंडर्ड बुक. तो देर आर मल्टीपल बुक्स ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट बाय मल्टीपल ऑथर्स, इंडियंस एज वेल एज फॉरेन ऑथर्स. सो यू कैन गेट लॉस्ट इन द वास्टनेस ऑफ द सिलेबस एंड देयर द गेट करिकुलम इज द गाइडिंग लाइट दैट टेल्स यू व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट टू स्किप. तो जैसा सर ने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्या नहीं पढ़ना है. क्योंकि बुक में तो आपको इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ नॉलेज मिलेगी एंड व्हाट वी आर टीचिंग यू इज जस्ट लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन, है ना. क्योंकि यार कंट्रोल सिस्टम जब एक पूरी फील्ड है, मशीन्स एक पूरी फील्ड है, हम उसमें 100 आवर्स पढ़ा दिया 150, तो दैट इज नॉट कंप्लीट मशीन्स. दैट इज अ बेसिक आइडिया ऑफ अ सब्जेक्ट दैट विल हेल्प यू क्रैक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट सब्जेक्ट. देयर आर मल्टीपल लेयर्स बीनीथ इट, देयर आर मल्टीपल लेयर्स बिलो इट विच वी आर नॉट टचिंग, जस्ट सो दैट यू कैन टेक ऑल योर 12 सब्जेक्ट्स इन पैरेलल रैदर देन गोइंग टू मच इनटू अ सिंगल सब्जेक्ट. तो सर अभी जैसे मैं अंकुर सर से जानना चाहूंगा कि सर अभी हम लोग क्या कोई बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं कि जो बच्चे 22 की तैयारी करना चाहते हैं, एंड इफ देयर आर सच बैचेस हाउ कैन दे एनरोल इन सच बैचेस? यस सर, डेफिनेटली न्यू बैचेस जो है स्टार्ट हो रहे हैं. अंकुर सर जो डिटेल है SN बैच और मैं इवोल बैच की बात करूँगा तो अलग अलग बैच हमारे स्टार्ट हो चुके हैं. एंड स्टूडेंट को इजीली केवल अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है और उसके थ्रू वो जाके इनरोल कर सकते हैं उसमें. और काफ़ी इजी प्रोसीजर है, आपको कोई भी कोर्स इनरोल करना है तो उसके लिए आपको जो है अनअकैडमी ऐप भी कर सकते हो, आप कंप्यूटर में भी कर सकते हो, लैपटॉप में भी कर सकते हो. सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस में कम्फर्टेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग यू कैन. यस सर. तो सुरेश सर, आर वी स्टार्टिंग एनी बैचेस फॉर गेट 2023 एज वेल? यस सर, देयर इज अ वर्ब बैच व्हिच हैज स्टार्टेड, व्हिच इज स्टार्टिंग टुमारो, एंड देयर इज आल्सो ओनली इंग्लिश बैच एक्सक्लूसिवली फॉर पीपल हु आर नॉट कंफर्टेबल विद हिंदी. देयर आर बैचेस इन हिंदी एंड इंग्लिश, एंड यू आर स्टार्टिंग नेटवर्क्स ऑन 25th. ऑलरेडी स्टार्टेड EMT इन डिसंबर बैच, द नेक्स्ट बैच इज गोइंग टू कंटिन्यू.
next subject is going to continue because EMT is coming to an ending now. So we have a lot of batches starting today and tomorrow, sir. And all these batches are exclusively for the 2022 and 2023. So Vishal sir is also starting subject signals and systems. You are starting networks. And lot of such batches are starting, sir. So these batches for 2022 and 2023 will really be a good guideline for you. And the biggest good news is we have even batches which are exclusively for English speaking students also. So all sorts of batches at every level we are going to cater for. All sort of students will be useful. So guys, this year I would like to tell you one thing. Last year there were many complaints like you don't value English speaking students as much as we value Hindi speaking. But this year everything is going to balance out. Everything is going to be equally divided among English and the Hindi speaking crowd. North Indians as well as the South Indians, because now guys, we really have a great team in place, whether it is the team on Unacademy Plus or whether it is Ankur sir team or my team on YouTube. We do have teams in place by which we can tackle all the courses both in English as well as in Hindi, and really really you can benefit from it. And tomorrow guys, we are going to start this Evolve batch for 2022 and Ascend batch for 2023. Okay. So in this, Vishal sir will be starting signals and system tomorrow, and next Monday I'll be starting network analysis. And we are also starting, guys, we are also starting some English speaking batches like this verb batch Suresh sir was talking about. This is for 2023 completely in English. Okay, then we have the verb batch for ECE. Similarly, we have the Spark batch for 2022 electrical and the Spark batch for 2022 ECE. You can join all these batches. Just download the Unacademy Learning app and you can use any code by any educator, whether it is Suresh sir, Vishal sir, Ankur sir, me, any code you can use and you will get immediate 10% discount, guys. And this year, let me tell you, there are going to be multiple batches like 1 year, 2 year, 3 year, foundation, placement, interview, PSU, AE, semester. Everything we are going to cover in a single subscription. So this single subscription is going to be your lifeline, so you can attend as many type of batches as you want. But for GATE and ESE, try and follow a single batch, because if you keep oscillating between different batches, then you will end up with nothing and you will be stuck at a single place. Okay, so that is my message to you all. So bachcho, jinko bhi join karna hai, aaj shaam ko join kar lenge sab log. Tomorrow is going to be the first class by Vishal Soni sir, 8:30 PM tomorrow night. So guys, join before that class and use any of the codes. You will get all the benefits. You will get all the educators in a single subscription, and rest depends on you. ठीक है? तो बच्चों, we would like to take your leave, guys. Okay, we would like to take your leave, and it was really nice interacting with you all. Tomorrow also we have one interaction session in which Sankar sir and Reddy sir will be joining us, and we'll discuss with mostly the South Indian audience like how they can start their GATE preparation. So any concluding words, Ankur sir? यस सर, मैं हर एक स्टूडेंट को ये बोलना चाहूँगा कि हर एक स्टूडेंट आप जितना अर्ली हो सके, अगर आप गेट देना चाहते हो तो फिर लेट नहीं करना है और शिद्दत से प्रिपेयर करो सो दैट यू कैन एक्सपेक्ट द रिजल्ट. जब हम पूरा प्रिपेयर करते हैं, मन से, दिल से, एग्रेसिवली प्रिपेयर करते हैं, तो ही रिजल्ट आने का चांसेस रहेगा. अदरवाइज कंपटीशन बहुत हाई है. तो जैसा सर ने बताया, कल से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है. सो ईच एंड एवरी स्टूडेंट ट्राई टू, जब फटाफट से फटाफट आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं बैच. सर ने अभी आपको पूरा डिटेल बताई दिया. So that's all, and God bless you all. Suresh sir, any concluding words? Yes sir, sure. Students, my last concluding words is, when you join Unacademy, you will not fall short of options. Itne sare options milenge aapko ki it is not like limiting yourself to one or two teachers, one or two subjects. Every student can access every teacher, and some teachers suits to some students' frequencies. So you can find a teacher of your frequency. That's where the biggest advantage is. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही टीचर है जो हर किसी को पढ़ा सकते हैं, अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है. सो स्टूडेंट, चूज योर राइट फ्रीक्वेंसी, राइट स्टैंडर्ड्स, क्रैक गेट एंड वन सब्सक्रिप्शन, एक्सेस टू ऑल द टीचर्स, ऑल द सब्जेक्ट्स, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स. दैट्स अन अकेडमी प्लस, एंड एस्पेशली आइकॉनिक इज ऑल्सो कमिंग अप, एंड आइकॉनिक इज वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग थिंग्स स्टूडेंट्स. So be with us for iconic and personal coaching.
Thank you all of your students. Thank you Ankit Goel sir and all your team. Ankur Sharma sir, really nice interacting with you. Thank you sir. So thank you guys for joining us. So waiting for all of your students and Academy Plus. And thank you Ankur sir and Suresh sir to take time out and conduct this session. It was really, really nice interacting with you all. And it was really nice to gain some insight like what a GATE 22 or a 23 aspirant can think about. Okay. So guys, ab we are going to meet tomorrow in a similar time slot with the South Indian crowd for GATE 22 and 23 strategy with Sankar sir, Suresh sir and Reddy sir. And whoever wants to start their preparation by tomorrow's batch, please join as soon as possible. You can take Plus as well as Iconic and use any of the educator codes and you will get immediately 10% discount. So see you all, love you all, God bless you. Thank you. So one second, sir. Yes, sir. Sir, that batch is exclusively for English, which anybody can join. It's not just South. Even I found many Bengali students wanting only for English. So that will be useful on pan-India level who want only in English. Yes. Those are not comfortable in English. Sure. English is something, a universal language. It's not only for South Indian crowd. Whoever prefers English, they can join that English batch. And whoever prefers the medium of communication to be Hindi, they can join Hindi batch. Quality will be same in both the batches. Educators will almost be the same in both the batches. Just you need to find the right set. You need to find, as sir said, the right frequency, the right educator for you, and attend whatever batch you like. Thank you, everybody.